मन है वो केवल अहंकार मिटाने के लिए, भगवत तत्व का बोध, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम, देहाभिमान त्याग करके पूर्ण रूप से प्रभु के आश्रित हो जाना इसी से होता है। अपने को विश्वास करना है। देखो, एक प्राकृतिक वस्तु है पारस मणि, और उसका प्रभाव देखो, लोहे ने कोई भी क्रिया नहीं की स्वर्ण बनने के लिए। पारस का प्रभाव स्पर्श मात्र से, लोहा की समीपता पारस के हुई, समीप हुई, लोहा की समीपता जब पारस से हुई तो पारस का प्रभाव उसे सोना बना दिया। लोहे ने कौन सी साधना की, बहुत सूक्ष्मता का विषय है। लोहे ने क्या साधना की स्वर्ण बनने के लिए, कोई की क्या? हाँ, दैव योग से, संयोग से उसे पारस की समीपता प्राप्त हो गई। ठीक बिल्कुल हमारा जीवन ऐसे ही हो गया, जैसे तिनका वायु के प्रवाह से कहीं भली जगह उड़ के पर जाए। तिनके की कोई सामर्थ्य नहीं थी कि वो उस भली जगह उड़ के परता, ये तो वायु का प्रवाह। ऐसे ही अपने लोगों पर लाडली जू की कृपा ने मुझ विषयी तिनके को उठा के अपने श्री चरणों के समीप पहुंचा दिया। श्री धाम वृंदावन, ये जो आप सुख देख रहे हैं, जहां बैठे जिस रज में, जिस धाम में बैठे हैं, ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। प्यारी जू की कृपा मुझे प्यारी जू के योग्य ऐसे बना देगी बिना साधना के, जैसे लोहे ने कोई साधना नहीं की और पारस मणि की समीपता ने उसे सोना बना दिया। ऐसे ही श्री धाम की जो हमें प्राप्ति हुई, वास, आश्रय, शरणागति, ये कृपा से हुई। कृपा ने मुझ विषयी को श्री धाम, रसिकों का संग, नाम रूप लीला, इससे हमें जोड़ दिया। अब हमें केवल एक बात ध्यान रखनी कि समीपता में रहना है। तो कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तदिवारी, विधि निषेध श्रृंखला छोड़ावे, निज आलय बन आन बसावे, आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। बिल्कुल दृढ़ विश्वास कर लो, लाडली जू की कृपा से मुझे लाडली जू की निश्चित प्राप्ति होगी। पर हमें आवश्यकता है हम समीपता से नाटे और इतने समीप हो जाए कि बीच में अंतराय न रह जाए।